नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद के पुर के वाहिद नाम के शख्स का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। आपको बता दें कि वो जंगलों और झाड़ियों में छुपा हुआ था। पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई, पुलिस ने उसकी टांग में गोली मार दी और अब वो जिला अस्पताल में भर्ती आई। आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला। प्रयागराज केस में माफिया अतीक अहमद के गुर्गे वाहिद का एनकाउंटर बांदा में पुलिस से हुआ सामना। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक अहमद के गुर्गे पर लगातार कार्रवाई जारी है। गुरुवार को अतीक अहमद के सबसे करीबी शूटर का बांदा में पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गया। जी हाँ, उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के एक और गुर्गे का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। गुरुवार को बांदा में अतीक अहमद के गुर्गे वाहिद का एनकाउंटर हो गया। वाहिद पर 50,000 का इनाम है। वाहिद को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाहिद अहमद वर्तमान में अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य। बांदा पुलिस के अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि बांदा पुलिस और एसओजी टीम को सूचना मिली कि माफिया अतीक अहमद के करीबी शूटर वाहिद अहमद मटौधा के जंगलों में छुपा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वाहिद ने टीम पर फायरिंग कर भागने लगा। इस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में वाहिद के पैर में गोली लगी है। वाहिद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अतीक के शूटर अरबाज का फूफा है वाहिद। एसपी बांदा ने बताया कि वाहिद अहमद प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर अरबाज का फूफा है। बता दें, अरबाज प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। उन्होंने बताया कि वाहिद अतीक अहमद के करीबी और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में था। इतना ही नहीं, गुड्डू मुस्लिम जब बांदा जेल में बंद था तब उससे मिलने आया करता था। इसके बाद वाहिद अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य। वाहिद लगातार अपराध करता रहा है। 2005 में कोतवाली नगर में वाहिद के ऊपर हत्या का एक मुकदमा दर्ज था जिसमें वो जेल भी गया था। उसके अलावा कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। व्यापारी से फिरौती मांगने और धमकाने का आरोप। एसपी ने बताया कि हाल ही में वाहिद पर एक व्यापारी से फिरौती मांगने और धमकी देने का आरोप लगा था। इस संबंध में कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मामले में वो वांछित चल रहा था। इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में आज सूचना मिली थी कि वाहिद जंगल में छुपा है। वाहिद मर्धन नाका कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है।